हेलो टू ऑल पिजन लवर्स, मैं पिजन दीप सुभाषी सेन से, मैं शिवाजी स्कूल कोलकाता से। तो आज ये भाई से मिलिए, इनका तुम्हारा नाम टट्टू बोलो। नाम आकाश दे। आकाश दे, और इनका एक यूट्यूब चैनल भी है अवनी पिजन करके। तो मैंने थोड़ा सा हेल्प किया था ये चैनल खोलने के लिए। बात ये कि ये हमारे भाई, ये हमारे घर के सामने आए, तो कुछ मैंने अपलोड किया था जो मद्रासी पिजन सेल के लिए, क्योंकि भाई मद्रासी पिजन पालना चाहते लगभग 30 साल 30 ईयर्स, मैंने 30 बच्चों बाद पायरा पूछते थे। तो 20 ईयर्स भाई का उम्र ही कितना, एज भी ज़्यादा नहीं है। तो 20 ईयर्स बाद वो कबूतर पाल रहे, तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था, क्योंकि मार्केट से वो कबूतर खरीद, सितंबर 18 तारीख भाई को याद किया, मैं भूल गया, सितंबर के पिछले साल 2022 में फर्स्ट उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था। तो कुछ मैंने मद्रासी पिजन का सेल का वीडियो मैंने डाला था, तो उससे भाई ने मुझसे कलेक्ट किए बहुत सारे, सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग की वजह से एक कबूतर मतलब प्यार नहीं ले पाए, नहीं तो पूरा लॉट ही ले लेते, बाकी जो थे सब ले लिए। एक प्यार मैंने दूसरे भाई को दिया था, सब्सक्राइबर को, तो उसके बाद जो कुछ अपलोड किया था सेल का वो भी उन्होंने खरीद लिया। उनसे आप लोग सुनिएगा कि रिजल्ट क्या है, तो बोलो बेटा कि बंगाली पे बताएंगे, मैं हिंदी पे बोल दूंगा। तो बोलो कि हम रिजल्ट किया से पायरा। हमें और सुबह शेर थे कटा पायरा नहीं छिलम, जो शीरा पायरा, शीरा पायरा हमारे टुकड़ी बेसि भलो लागे, मैड्रास शीरा और मध्य छो दो मादी छो और दो नर छो एक बाच्चा छो पाँचा नहीं তারপরেও কিছু মনে হয়, তারপরে নিয়েছি দুখানা নিয়েছি, তারপরে একটা নিয়েছি, অনেক পায়রা নিয়েছি, কারণ আমার শিরা পায়রাটা ভালো লাগে। আর পায়রা দেয় খুব সুন্দর, যেগুলো হচ্ছে দেখতে হয় না, যেটা ওর বিশ্বাসে আর আমার বিশ্বাসে, আমি ওকে দেখেই আবার শুরু করেছি, ওকে দেখেই ভিডিও দেখেই আমি আমার পায়রা বোঝা শুরু করেছি। ভাইকে বলবে কি চ্যানেল দেখে ইন্সপায়ার হোক ফির সে আয়, আমি না হলে করতাম না। হ্যাঁ, মতলব নেই আনা চাইতে, ইনকা এক মোবাইল শপ হ্যায়, বহুত বিজি ইনসান হ্যায়, ফির ভি ইন্সপায়ার হোক ফির সে ভাই আয়ে কে ফির সে কবুতর করে, লেকিন মাদ্রাসি পিজন পালনা চাইতে থে। ये ज़्यादा दूर नहीं रहते, कोलकाता सोदपुर में रहते, तो इनके घर के सामने एक मार्केट लगता है मोदम ग्राम हाट जो है यहाँ पे, और गैलेक्सी स्ट्रीट मार्केट, तो वहाँ पे भी घूम चुके, लेकिन उनको भरोसा नहीं आ रहा था कबूतरों का कैसा होगा ना हो, तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, लेके भी गए, तो उनका आउटस्टैंडिंग उनको परफॉर्मेंस मिला, क्योंकि मैं भी जानता था कबूतर अच्छा है, लेकिन मेरे बोलने से क्या होता है, कस्टमर जब तक उसका फीडबैक नहीं देंगे तो ये सही नहीं होता, मैं तो अच्छा बोलूँगा, है ना। তো পায়রার উড়ানগুলো কিরকম আছে? আমার তার মধ্যে আমি সবকটা পায়রার ডানা দিইনি, দুটো পায়রার ডানা দিয়েছিলাম, একটা পায়রা এখনো আছে, একটা পায়রার আমি বাচ্চা করেছি তারপর ডানা দিয়েছি। সেই পায়রাটা আমাদি পায়রা, মেয়ে পায়রা ছিল, সেই পায়রাটা যখন খোপ থেকে খুলে দিই আমি, আমাকে পায়রাটাকে উড়ানোর জন্য কোনো খাটনি করতে হয় না, কোনো কিছু করতে হয় না, পায়রাটা ডানার একটা কোনো সাউন্ড নেই, পায়রা উড়ে যায়। আপনারা আমার বাড়িতে কেউ যদি যান আমি ইনস্ট্যান্ট দেখিয়ে দেবো, 2 মিনিট থেকে 5 মিনিট অবধি শুধু দেখতে পারবেন, তারপর আর দেখতে পারবেন না 5 ঘন্টা। তো 5 ঘন্টা দম করছে এখন অবধি, খোপে বাচ্চা খাইয়ে 5 ঘন্টা দম করছে, দেখতে পারবেন না, চোখের আন্দাজেই আসবে না কোনো কিছু। अरे बाप रे, मैं भी नहीं जानता था कबूतर इतना उड़ेगा, क्योंकि पर्सनली मैं इतना उड़ाता नहीं हूँ, मेरे पास टाइम का बहुत प्रॉब्लम है, और इसी वजह से कबूतर सेल कर रहा था। तो भाई जो कह रहे थे कि जो कबूतर लेके गए बच्चा है, घर पे बच्चा भी हो गया, मतलब ब्रीडिंग सक्सेसफुल, उसमें भी वो 5 घंटा दाम कर रहा है नॉर्मल दाना पानी, मतलब जो भी मैं अपने चैनल पर दिखाता हूँ, जो फूड पिजन फूड इन विंटर या पिजन फूड इन समर, सारा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देखिएगा। कम पैसे में मैंने दिखाया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भाई भी है जो कॉलेज स्टूडेंट है, ज़्यादा पैसे नहीं होते, तो उस तरीके से एक बजट में मैंने खाने का चार्ट बनाया है कबूतरों के लिए, और ये ग्रेबास और मैड्रासी सबको आप दे सकते हो। तो उसी से भाई कह रहे कि 5 घंटा दम कर रहा है, और ये देखिए हम सब आम इंसान है, ठीक है, थोड़ा सा काम के बाद जो टाइम बचता है वो टाइम निकल के हम कबूतर पालते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े उस्ताद है कबूतरबाज है कि नहीं, एकदम उसी में करने की कोशिश करते हैं। तो थैंक यू बेटा सपोर्ट करार जन्य, और भाई को सपोर्ट कीजिए, ये नए बना रहे, क्योंकि मेडिसिन का ये जाबे नहीं कथा, यदि आपनादे फेक मन है हमारे बाड़ी हे घोला थानार एकदम उल्टो दिखे যে যাবেন তাকে আমি ইনস্ট্যান্ট উড়িয়ে দেখিয়ে দেবো, যে সুভাষীদের পায়রা নিয়ে গিয়ে আমি 5 ঘন্টা দম করাচ্ছি কিনা, 5 ঘন্টা ইনস্ট্যান্ট ঘড়ি ধরে আমি দেখিয়ে দেবো এখন পায়রার বাচ্চা খাওয়ানো অবস্থা। বেবি পিজন কেউ যদি পায়রার বাচ্চা চায় পাবে, কেউ বাচ্চা চাইলে পাবে, আমার কাছে শিরা ম্যাড্রাস সবুজ ম্যাড্রাস আছে, সেগুলো ঘরে সব উঠছে, আপনারা কেউ যদি আসতে চান দেখে যাবেন, এক্সে ওয়ার্কার এক পায়রাস। আর কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা একটু শেয়ার করে দাও, কন্ট্যাক্ট নাম্বার 8910870674674। তো শুনলিয়ে দেখে বাহার ডেলিভারি নেই হোগা, अगर कोलकाता में आ सकते हैं तो भाई के साथ कांटेक्ट कीजिएगा। इनका ज़्यादातर 80% पिजन जो भी है कबूतर मेरा ही दिया हुआ है, और बाकी भाई ने 20% खुद कलेक्शन किए, क्योंकि और ही एक बच्चा है यदि क्यों नीते चाहे सेराव नीते पारबे सबे बेनी से गुड घर का ही बच्चा, मतलब मुझसे जो लिए उसी का ब्रीडिंग प्रोग्रेस उड़ने वाला है। 5 घंटा दम करेगा? हाँ भाई 5 घंटे ही बोल रहे, इससे ज्यादा नहीं, आप मेहनत करोगे थोड़ा अच्छा खाना दीजिए, मेहनत करने से ज्यादा होगा और बढ़ेगा, टाइम टेबल और बढ़ेगा। तो ठीक है, अपना अपना कीमती वक्त दिए यहाँ पे मिलने आए, भाई मुझसे मिलने आए क्योंकि मेरे घर के सामने आए थे। ये हमारा रोड है जो डनलॉप, इधर देखिए पीछे है डनलॉप क्रॉसिंग, ये पीछे डनलॉप क्रॉसिंग, ये मेरे घर का बस स्टॉप है अनन्या, तो बीच में हम आए थे, और हम खड़े हैं आईएसआई स्टैटिस्टिकल, ये देख लीजिए, ये इंडिया का आईएसआई है,
ये ISI वो वाला नहीं है, हाँ पाकिस्तानी वो चीज़ नहीं है, ये है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। इनके सामने ही मेरा घर है और गूगल पे आप चेक करोगे तो देख सकते हो ये पूरा इंडिया पे फेमस है। तो ठीक है, आप आए, थैंक यू, इनको भी सपोर्ट कीजिए, इनका चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हम ये उड़ानों वीडियोटा एक वीडियो करे हमें सुभाषीर का पाठी दो अपना देखिए। हाँ तो ये भी रहेगा, को सर जन एक भाई ने जो कहा कि उनका जो बर्ड जो मुझसे कबूतर लिए उनका एक वीडियो बना के मुझे भेजेंगे, तो मैं भी वेट करूँगा, वो वीडियो जब आएगा चैनल पर अपलोड हो जाएगा। और थोड़ा सा आप इंतज़ार करें, कुछ टाइम की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। कबूतर का जो ठंड लग रहा है, कोल्ड ट्रीटमेंट उसका भी वीडियो दूंगा, विटामिन्स का दूंगा, सब वीडियोस आएंगे, ठीक है, थोड़ा सा सब्र करें। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, आगे और भी वीडियोस आएंगे, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।